हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है अपनी ग्रैंड आइटेनियोस का थर्ड सर्विस का वीडियो। अपनी ग्रैंड आइटेन की थर्ड सर्विस ड्यू थी जो कि मैंने अब करा ली है, और इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि हमने इस थर्ड सर्विस में हमने क्या क्या चेंज किया है और हमें कितना टोटल खर्चा आया है। ये सारी चीज़ें इन डिटेल में अच्छे से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख सकते हो अपनी कार जो है वो सर्विस सेंटर में आ चुके हैं सर्विस के लिए। अब इसका सर्विस बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, CNG का पहले जो अपडेट आया था जो आप मेरी सेकंड सर्विस में देख सकते हो, वो उन्होंने ECU द्वारा सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसे अपडेट कराया था। बट अब जो CNG रिलेटेड अपडेट आया हुआ है वो बहुत ही यूनिक अपडेट है। मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा कि CNG का क्या अपडेट आया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हम हमारी सर्विस से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपनी सर्विस की जो शुरुआत है उसके पहले कार को अच्छे से चेक किया जाता है, हर एक चीज़ें। उसके बाद में कार को ऊपर उठाया जाता है और उसके जो चारों व्हील्स है इसे रिमूव किया जाता है। और इन चारों व्हील को रिमूव करने के बाद में आप देख सकते हो नीचे की जो बॉडी है कार की, आप उसे चेक कर सकते हो कि कहीं पे कार को कुछ लगा है या नहीं। आप अच्छे से चेक कर लीजिए। जैसे ही कार को अपलिफ्ट किया जाएगा तो आप ये चेक कर सकते हो। अपनी कार के नीचे जाकर आप एक चक्कर मार लो ताकि आपको समझ आ जाए कि अपनी गाड़ी कहीं से लगी या नहीं। और रही बात अपने ब्रेक पैड एंड ऑल की, तो ये जो ब्रेक पैड है ये सारे ब्रेक पैड को बहुत ही अच्छे से और बेहतरीन तरीके से क्लीन किया जाएगा। अपनी कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसमें से जो पुराना ऑयल है उसे रिमूव किया जाएगा, उसे बाहर निकाला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस ऑयल को निकाला जाता है। और ये जो ऑयल आप देखोगे ये बहुत ही पुराना हो चुका है, काला हो चुका है। और ये आपको हर सर्विस में 10,000 किलोमीटर पे इसे चेंज करना ही होता है ताकि आपकी इंजन की लाइफ जो होती है वो काफ़ी अच्छी रहे, स्मूथ रहे और बेहतरीन रहे हमेशा की तरह। सो फ्रेंड्स, इंजन ऑयल के साथ साथ हमारा दिस टाइम पे इंजन ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा। और थर्ड सर्विस पे, ये सेकंड सर्विस पे नहीं हुआ था, तो इस टाइम इंजन ऑयल फिल्टर भी चेंज हो जाएगा। अभी देखिए इंजन ऑयल फिल्टर को ओपन किया जा रहा है। ये इंजन ऑयल फिल्टर की जगह पर नया यहाँ पर वो लोग लगा देंगे। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंजन ऑयल फिल्टर भी आपके थर्ड सर्विस पे चेंज हो जाता है यूजुअली। तो अभी जो है पुराने वाले को निकाल दिया गया है, अब यहाँ पे नया वाला इंस्टॉल किया जाएगा। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हो कि मेरा जो है इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह यहाँ पे वो लोगों ने इंस्टॉल करने के लिए ले लेंगे वो लोग नया। तब तक आप देख सकते हो कि उन्होंने जो मेरे ब्रेक प्लेट्स है इन सभी को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है। और ब्रेक प्लेट सारे क्लीन करने के बाद इंजन ऑयल फिल्टर को भी इन्होंने यहाँ पर फिट कर दिया है ऑलमोस्ट। और ये देखिए अभी इसे टाइट किया जा रहा है इंजन ऑयल फिल्टर को। और फ्रेंड्स, जो मेरे जो व्हील रिमूव किए गए हैं, आप एवरी थर्ड सर्विस के बाद में आप टायर को रोटेट कर सकते हो। टायर रोटेशन से आपका ही फायदा है ताकि एक जैसे टायर जब घिसते हैं तो एक ही साइड के टायर ना घिसे इसकी वजह से। और फ्रेंड्स, देखिए कि मेरे टायर में एक पंक्चर निकल गया, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अगर आपकी कार के टायर में हवा कम हो तो आपकी जो कार है वो एक साइड में आपकी आपको खींच सकती है, या आपको महसूस भी हो सकता है आपको हवा भी कम लग सकती है। तो अभी मेरी केस में देखिए मेरा जो ये टायर है एक पंचर था, अब इसे बनाया जा रहा है सर्विस सेंटर में ही। सो ये एक चीज़ है कि आप आपकी कार की टायर को हमेशा मेंटेन रखा करें, हवा बिल्कुल भी कम होने ना दें। आप टायर इन्फ्लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप नीचे से अपनी कार की बॉडी को डबल इंस्पेक्शन कर सकते हो, अच्छे से चेक कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली सर्विस सेंटर में ही कार को अपलिफ्ट किया जाता है। ऐसे तो आप देख नहीं सकते कि कार कहीं पे डैमेज हुई है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नया ऑयल फिल्टर लग गया है नीचे, और बाकी सारी कंडीशन तो वैसे अपने कार की नीचे से ठीक ही है।
अब इसके जो है पूरे व्हील को फिर से रोटेट करके लगा दिया जाएगा, और हमेशा इसको क्रॉस में लगाना है, मतलब लेफ्ट का जो व्हील है वो लेफ्ट साइड के राइट साइड में चला जाएगा और राइट साइड का जो है वो लेफ्ट की राइट में चला जाएगा, इस तरीके से। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अपना कूलेंट और ब्रेक फ्लूड, ऑयल और वाटर, ये सारी चीज़ें टॉपअप हो रही है, और साथ ही साथ इसका जो फिल्टर है उसे भी चेंज किया जाएगा। तो नया फिल्टर आप देख सकते हैं कि जैसे ही ज़रूरत होती है आप नए फिल्टर को ही इंस्टॉल कीजिए, ताकि आपके केबिन में काफ़ी अच्छी एसी कूलिंग बरकरार रहे। सो फ्रेंड्स अभी मेरी गाड़ी में तो नया फिल्टर मैंने लगा दिया है, एसी फिल्टर, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और अपनी कार में आप देख सकते हैं कि नया ऑयल डाला जा रहा है, और ये ऑयल टोटल 3.5 लीटर का ऑयल होता है ये। सो फ्रेंड्स ह्यूंडई का एक बहुत ही अच्छा है कि अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं तो ये जो सर्विस पर्सन होता है ये जब ऑयल चेंज करते हैं तो इसका एक वीडियो बना लेता है, ताकि अगर आपको डाउट हो तो ये आपको वीडियो भी बता सकते हैं। सो ये एक चीज़ ह्यूंडई की काफ़ी अच्छी है सर्विस की, और मुझे काफ़ी पसंद है ये। जेन्युइन सर्विसिंग होती है यहाँ पे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है आपके, आपको ऐसे कुछ छुपा के ऐसे कोई चीज़ें नहीं की जाती है। अभी मैं तो हमेशा सामने ही खड़ा रह के सर्विस कर लेता हूँ। अभी देखिए इंजन ऑयल लेवल चेक किया जा रहा है नया इंजन ऑयल डालने के बाद। सो अब ये हो चुका है, और अभी आप देख सकते हैं विंडशील्ड वाटर इसके अंदर टॉपअप किया जा रहा है। विंडशील्ड वाटर को भी पूरा टॉपअप करने के बाद में अब हमारी बारी है बैटरी को चेक करने की। तो अभी ये बैटरी भी चेक की जाएगी पूरा टोटल, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी अपना विंडशील्ड वाटर पूरा टोटली फिल हो चुका है, इसके अंदर ब्रेक फ्लूड ऑयल भी डाला है, कूलेंट भी डाला गया है, और उसका लेवल भी ओके कर दिया गया है। अब होगा अपना बैटरी चेक, और ये यहाँ पर है सीएनजी का ये अपडेट। सो फ्रेंड्स अभी अपनी बैटरी को देखते हैं बैटरी का कंडीशन कैसा है। अभी वो उनके इक्विपमेंट से अपनी बैटरी को चेक करके अपने को बताएंगे कि अपनी बैटरी की क्या कंडीशन है। तो आप देख लीजिए कि बैटरी कैसे चेक होती है, क्या होती है, इसके अंदर आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो बैटरी होती है इसमें वाटर लेवल भी चेक किया जाता है, और इसमें वाटर भी टॉप अप करते हैं। मैंने सेकंड सर्विस में आपको बताया था। अब जो है अपनी बैटरी का हेल्थ और वाटर लेवल दोनों चेक हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लोग चेक करते हैं। ये जो इक्विपमेंट है इससे अपनी बैटरी को चेक किया जाता है। ऑलराइट सो फ्रेंड्स अभी देखिए अपनी बैटरी तो चेक हो चुकी है, अब इसे वापस से लगाया जा रहा है फिर से। अब बारी आ रही है फ्रेंड्स जो कि अपने सीएनजी अपडेट की। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी सीएनजी अपडेट था उसके अंदर अब ये चेंजेस आए हैं कि पहले ईसीयू द्वारा ये लोग सीएनजी को अपडेट करा रहे थे, बट अब ऐसा नहीं है, अब डायरेक्टली सीएनजी पाइप को ही चेंज किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स अभी जो सीएनजी का अपडेट आया हुआ है, अगर आप आपकी कार को सर्विस पे लेके जाओगे तो ये लोग आपकी कार का जो सीएनजी पाइप होता है उसे ही चेंज कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो पाइप है इसे पूरा चेंज किया जाएगा, पूरा चेंज करके इसमें नया पाइप डाला जाएगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंपनी की ओर से ही है, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने हैं। ये जो सीएनजी पाइप का जो चेंज का ऊपर से अपडेट आया है ये कंपनी ही इसका पूरा देख रही है, इसमें आपको कोई पैसा या कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ये सीएनजी का पाइप है, इसे रिप्लेस किया जाएगा, जो पुराना वाला है उसे निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह पे नया इंस्टॉल किया जाएगा। तो बस यही एक सीएनजी का अपडेट है। ये देखिए ये मेरा जो पुराना पाइप है इसे निकाल दिया गया है अब, और उसकी जगह पे ये नया वाला पाइप इंस्टॉल किया जाएगा। बस तो ये एक सीएनजी अपडेट था जो मुझे आपको देना था। सो फ्रेंड्स अभी ये लोग अपने सीएनजी पाइप को इंस्टॉल कर रहे हैं, अब देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ अभी सर्विस में बाकी है। तो जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताया,
और हाँ फ्रेंड्स, ये सीएनजी पाइप जब चेंज हो रहा है तो आप बहुत ही केयरफुली इसे देखिए, क्योंकि कुछ कुछ सीएनजी पाइप जो है वो लीकेज मारते हैं। तो मुझे उन्होंने कम से कम 3 या 4 पाइप को चेंज कराया तब जाके वो सही से इंस्टॉल हो गया। बट अभी के लिए तो देखिए, फिलहाल यहाँ पे ग्रीस वगैरह लगाया है, जितने भी डोर पैनल्स वगैरह है सब में ग्रीस लगाया जाएगा, ठीक है ना, ताकि आपकी जो डोर है वो सारे स्मूथली ओपन हो सके। और यहाँ पर भी अपना जो एसी फिल्टर है उसे भी चेक किया जाएगा, अगर ये एसी फिल्टर ख़राब है तो उसे चेंज किया जाएगा, अगर अच्छी कंडीशन में है तो उसे साफ़ करके लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका एक एसी फिल्टर होता है, उसे ऐसे आप रिमूव कर सकते हो। तो देखिए, मेरा इतना कुछ ख़राब कंडीशन नहीं थी इसलिए उन्होंने जस्ट उसे क्लीन करके फिर से इंस्टॉल कर दिया। अगर आपका ख़राब है तो आप उसे चेंज कर सकते हो, इतना कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता है। और हाँ, मेरी थोड़ी बहुत इन्होंने क्लच सेटिंग भी करके दी है, क्लच सेटिंग करा के ली मैंने, क्योंकि क्लच और भी स्मूथ हो गया है अभी मेरा क्लच सेटिंग करने के बाद। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी अपने सारे व्हील्स वगैरह सारे लग चुके हैं, हर एक चीज़ अच्छे से हो चुकी है, मैंने टायर को भी रोटेट करवा लिया है। अब अपनी कार जा रही है व्हील अलाइनमेंट के लिए। व्हील अलाइनमेंट फ्रेंड्स आप आउटसाइड भी कर सकते हैं, सर्विस सेंटर में ही करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाहर सस्ता होता है, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था। सो अगर मेरी बाय कार यहाँ पे आ चुकी थी तो मैंने यहीं पर अपना व्हील अलाइनमेंट वगैरह हर एक चीज़ इसमें ही करवा ली थी। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको आपके पास भी ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं होता है तो कर लेना चाहिए टाइम टू टाइम, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप स्पेशली अगर व्हील अलाइनमेंट के लिए आपकी कार को ले जा सकते हो बाहर तो ले जाइए, कोई इशू नहीं है, ताकि आपके थोड़े बहुत पैसे भी बच सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मेरा व्हील अलाइनमेंट चल रहा है, अब देखते हैं इसे कितना टाइम लगता है। बाकी की तो सारी ऑलमोस्ट चीज़ें हो चुकी है, अब बस व्हील अलाइनमेंट ही बाकी है, व्हील अलाइनमेंट, उसके बाद में शायद वॉशिंग वगैरह होगी। लेट्स सी कितना टाइम अभी जाता है, ऑलमोस्ट सर्विस तो ख़त्म हो ही चुकी है। और राइट सो फ्रेंड्स, अपना व्हील अलाइनमेंट भी हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं ये जो सीएनजी पाइप था वो लीकेज जो मार रहा था ना, तो उन्होंने कम से कम 3 या 4 पाइप चेंज किए थे, अब जाके कहीं इसका काम सक्सेसफुली हो चुका है, अब ये लीकेज वगैरह नहीं कर रहा है, इसे फिर से रिप्लेस कर दिया गया है किसी सोल्यूशन द्वारा, सोल्यूशन लगा के उसमें उसे फिट किया गया है ताकि अब वो लीकेज नहीं हो रहा है। सो ये एक चीज़ थी जो कि अभी अपनी हो चुकी है, अब अपना ऑलमोस्ट सर्विस ख़त्म हो ही चुका है। सो फ्रेंड्स, अब अपना नीचे का जो पाइप था वो टाइट हो चुका है, अब ऊपर से टाइट किया जा रहा है, बोथ साइड से ये परफेक्टली हो चुका है। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से अपनी कार को ऊपर लिफ्ट करके चेक किया जा रहा है, जो फिटिंग की गई है ये कुछ लीकेज वगैरह है या नहीं चेक करने के लिए फिर से चेक किया जा रहा है वाटर मार के, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये सीएनजी रिलेटेड चीज़ है, ये बहुत केयरफुली करनी चाहिए, अगर इसमें थोड़ी भी चूक हो जाती है या थोड़ा बहुत भी लीकेज रहेगा तो प्रॉब्लम अपने को ही होगा, सीएनजी का रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो ये मैंने देख लिया तो अपना कुछ लीकेज वगैरह नहीं हो रहा था, एकदम अच्छे से काम हो गया। अब अपनी कार की हो रही है वॉशिंग, कार की एक बार वॉशिंग होने के बाद में फाइनली अपना ख़त्म हो जाएगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस ह्यूंडई के साथ काफ़ी अच्छा रहा है, हर बार अभी तक तो ऐसे कुछ इशू या कंसर्न मुझे नहीं लगे हैं सर्विस रिलेटेड, और ये काफ़ी अच्छे से कार वगैरह वॉश भी करते हैं, कोई इशू अब तक आया नहीं है। ऑलराइट सो फ्रेंड्स, मेरे पास ह्यूंडई का एक कूपन था जिसके अंदर मुझे कोटिंग फ्री दी गई थी, तो अभी मैं उस कूपन को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, और उस कूपन शायद 800 रुपये का कुछ कूपन था, तो उसे मैं अपनी थर्ड सर्विस में यूज़ कर रहा हूँ और अपनी कार की मैं कोटिंग भी करा रहा हूँ। कोटिंग में ये लोग बस कुछ वैक्स होता है उसे अप्लाई करते हैं, और कोटिंग में ये लोग कोई मशीन वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही होता है ये, बट फिर भी ठीक है, जो भी है मुझे तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाउचर मिला था तो मैंने उसे यूटिलाइज़ कर लिया है।
वैसे तो बारिश का मौसम चल रहा है, बट अभी वो कूपन अगर मैं यूज़ नहीं करता तो वो एक्सपायर हो जाता। मेरे पास में पिछले लास्ट 1 ईयर से वो कूपन पड़ा था, मैंने यूज़ नहीं किया था, सोचा अभी यूज़ कर लेता हूँ। तो अभी वही कोटिंग चल रहा है, वैक्स कोटिंग। सो फ्रेंड्स, वैक्स को अच्छे से रब करके पूरी बॉडी पे अप्लाई करने के बाद माइक्रोफाइबर क्लोथ से ये ऐसे पोंछ लेंगे और ये अपना डन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली चलो अब मैं आपको अपनी कार में थर्ड सर्विस पे मुझे कितनी कॉस्ट लगी और मुझे कितना टोटल खर्चा आया मैं अभी आपको बता देता हूँ। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इनवॉइस डाल दिया है, आप देख सकते हैं जो कुछ भी पार्ट मेरे चेंज हुए हैं या जो रिप्लेस हुआ है उसका यहाँ पे प्राइस दिया गया है, आप देख सकते हो। व्हील अलाइनमेंट का जो है वो 565 लिया है, व्हील बैलेंसिंग का जो है वो 684 लिया है। इसीलिए मैंने आपको बोला अगर आप बाहर करा सकते हो तो आप करा लीजिए, बाहर आपको और भी सस्ते में मिल जाएगा। और बाकी आप देख सकते हैं इंजिन ऑयल फिल्टर का जो है वो कुछ तो 90 रुपीज़ है, और एयर फिल्टर क्लीनर जो है वो 188 का है, और जो इंजन ऑयल का है वो 1230 रुपए का है लगभग। और नीचे आप देख सकते हैं सीएनजी का जो पाइप चेंज किया गया है रिप्लेसमेंट, उसका 0-0 कॉस्ट है, क्योंकि वो टोटल जो है वो कंपनी से ही है तो उसका कुछ आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। तो इसमें आप देख लीजिए जो भी है। और अगर मैं टोटल बात करूं विद जीएसटी तो 3777, 3777 रुपये मुझे लगे हैं। अगर आपकी भी थर्ड सर्विस है और आपका इसके अलावा और कोई पार्ट वगैरह कुछ चेंज होता है तो आप उस तरीके से इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं 4,000 के अंदर ही आपका थर्ड सर्विस सीएनजी का ग्रैंड आइटेनियोस का हो रहा है विद जीएसटी। सो फ्रेंड्स, आपके जो फर्स्ट 3 सर्विस होते हैं वो फ्री सर्विस होते हैं, उसमें आपको लेबर कॉस्ट नहीं लगता है, बट जो भी आप पार्ट वगैरह चेंज कराते हो या इंजन ऑयल वगैरह ये सारी चीज़ें जब आप करते हो उसका ही आपको कॉस्ट यहाँ पे करना होता है। अब इसके आगे की जो नेक्स्ट सर्विस होगी वो मेरी पेड सर्विस होगी और मैं उसका भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा और मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ शेयर करूँगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।